बच्चों, अब हम उदाहरण 20 पर काम करेंगे। उदाहरण 20, यहां भी हमें गुणा करना है और वो गुणा हमें दिया हुआ है 16 गुणित 15। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो संख्या है 16, वो आधार 10 और 6 का योगफल है और ये आधार 10 और 5 का योगफल है। तो इस उदाहरण के लिए हमारे पास दोनों के आधार तो 10 हैं और विचलन क्रमशः पहली संख्या के लिए धन 6 और दूसरी संख्या के लिए धन 5 है। इन्हें हम लिख लें इस तरह से, इनकी यहाँ जो हमारी संख्या है वो क्या है और उसका विचलन क्या है। तो पहली वाली संख्या जो दी हुई है हमें 16 है, जिसका विचलन 6 है, धन 6 कह दें, और दोनों का आधार हमारे पास 10 है। इस संख्या का आधार 10 और विचलन 6। दूसरी संख्या 15 है, इस 15 के लिए भी आधार 10 है और विचलन धन 5 है। गुणा क्या होगा देखिए, हम दो भाग लिखेंगे, दाहिना भाग इन दोनों का गुणा होगा जो 6 गुणित 5 करने पर हमको 30 मिलेगा। तो यहाँ हम सिर्फ इस इकाई को लिखेंगे और ये जो 3 दहाई है वो हासिल के रूप में हमारे इस बाईं तरफ चला जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ हम क्या करेंगे, कोई भी एक संख्या लें, जैसे हमने 16 लिया और उसमें दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ दें, तो दूसरी संख्या के विचलन 5 है, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 16 धन 5। इसे आप 15 धन 6 भी कर सकते थे, दूसरी वाली संख्या धन पहले का विचलन, तो ये आपको दहाइयों के रूप में मिलता और एक दहाई आपको यहाँ से और मिली हुई है। यदि आप इसको फिर से लिखें तो आपको मिलेगा 0 इकाइयाँ और 16 धन 5 दहाइयाँ धन 3 दहाई, तो हमको यहाँ मिलेगा 16 धन 5 धन 3 दहाइयाँ और ये आपको मिलेगा 16 और 5 21 और 3 24 दहाइयाँ, 24 दहाई और 0 इकाई। इसे हम दोबारा फिर से लिखें, हमें जो प्राप्त हुआ था वो ये था 16 धन 5 धन 3, इतनी दहाइयाँ मिली थी और इकाइयों के रूप में यहाँ 0 बचा था। आप देख रहे हैं ये 16 और 5 21 और 3 24 दहाइयाँ और 0 इकाई। इसे आप 240 और 0 का योग कह सकते हैं या सीधे सीधे 2 4 0 लिख सकते हैं। तो ये जो हमें परिणाम मिला वो 16 गुणित 15 का परिणाम है, हल है।